नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप वर्मी कंपोस्ट की बेड बनाने वाले हों, गोबर को लाने के बाद में उसको ठंडा कैसा करें। तो आप ध्यान रखें कि पक्के फर्श का गोबर ले आएं गौशाला से या डेयरी फार्म से, उसके बाद में उसको ये ढेरियाँ बनाकर इस तरह से डाल दें। और इन ढेरियों पर आपको बीच में से पानी देना है, साइड से भी पानी देना है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ज़्यादा पानी दें जिससे ये अंदर पानी चला जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। तो केचुए आप जब इसमें डालेंगे तो वो आसानी से अंदर चले जाएंगे और खाएंगे, और जिससे आपका वर्मी कंपोस्ट अच्छा बनेगा। तो ध्यान रखें, गोबर को ठंडा ज़रूर करना है। तो ये मैं आज आपको बताने वाला था कि इस तरह से आप 2 से 3 बार ठंडा कर लें और उसके बाद में ही बेड बनाएं। आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने खेत में ये पूरे फैला करके डाला है जिससे इसको ठंडा होने में आसानी रहेगी। जब गोबर को ठंडा करें तो उसमें पानी बीच में ज़्यादा आप डालें, ये इस तरह से, तो ताकि अंदर पानी चला जाएगा इसमें, जिससे गोबर अच्छे से ठंडा हो जाएगा, नीचे तक ठंडा हो जाएगा। ये थी गोबर को ठंडा कैसे करें की जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।